क्या होगा अगर फ्यूचर जाकर आपको एलियन से लड़ना पड़े और आप जान पाए कि फ्यूचर में इंसान खत्म होने वाले हैं क्योंकि एलियन ने पृथ्वी के ऊपर हमला जो कर दिया। कुछ ऐसी ही प्लॉट के ऊपर बना है आज का मूवी। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं उस मूवी का नाम है दे टुमारो वॉर। अगर आपको इस तरह की साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद हो तो ये चैनल आपके लिए ही है। जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। कहानी शुरू होता 2051 साल को दिखाकर जहां पृथ्वी के लगभग आधे से ज्यादा लोग मर गए हैं, हर तरफ जंग छिड़ा हुआ है। तभी हम कुछ सोल्जर्स को आसमान से नीचे गिरते हुए देखते हैं और उनमें से एक का नाम था डैन, जो आसमान से गिरकर एक स्विमिंग पूल पर आकर गिरता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 2022 में चले आते हैं जहाँ हम पहले डैन को देख पाते हैं जो फोन कॉल पर किसी इंटरव्यू दे रहा होता है और कुछ सामान लेकर अपने घर आता है। असल में आज डैन के घर पे पार्टी चल रहा है और ये सब सामान पार्टी के लिए ही है। वो अपने पत्नी को सामान देकर इंटरव्यू देने के लिए फिर से बाहर चला जाता है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस कारण वो दुखी होकर फिर से अपने घर पर चला आता है और अपने वाइफ और बेटी के साथ समय बिताने लगता है। और टीवी पर तभी फुटबॉल मैच चल रहा था, लेकिन अचानक से फुटबॉल मैच ग्राउंड पर एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ फ्यूचर से कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। और वो लोग सभी से कहते हैं कि वो फ्यूचर से आए हैं जहां पर एलियन ने पृथ्वी के ऊपर हमला कर दिया है, जिस कारण इंसान का बचना नामुमकिन है। इसीलिए उन लोगों को मदद चाहिए ताकि यहां से लोग जाकर उन सारे एलियन से लड़ पाए और इंसानों को खत्म होने से रोक पाए। इसके बाद कुछ महीने बाद के समय को दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं यहाँ से कुछ लोग फ्यूचर में जाते हैं, लेकिन सिर्फ 30% लोग ही वापस आ पाते हैं, बाकी सब उस जंग के दौरान मर जाते हैं। इसलिए उन लोगों ने अभी नॉर्मल इंसानों को ही उस जंग में जाने को कहते हैं, नहीं तो वो लोग हर जाएंगे। अब हम डैन को देख पाते हैं जो एक स्कूल में पढ़ा रहा है जहाँ एक मार्टिन नाम का लड़का था। उसे वोल्केनो के बारे में बहुत नॉलेज होता है। तभी डैन के फोन में गवर्नमेंट से एक मैसेज आता है सोल्जर्स चाहिए, ऐसा कहकर डैन मसाज पाकर वहाँ चला जाता है और उससे वहाँ कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछे जाते हैं, जिसके बाद उसको कपड़ा उतरने को कहकर उसे एक चेयर पर बिठाया जाता है और उसके हाथ को एक मशीन के अंदर घुसा दिया जाता है। ये सब क्या हो रहा है, ये डैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। असल में वो मसाज था गवर्नमेंट की तरफ से कि डैन को फ्यूचर में लड़ाई करने के लिए जाना ही होगा, और इस मशीन से वो लोग डैन के हाथों पर एक और मशीन लगा देते हैं जिससे उसको ट्रेस किया जाएगा और इस आर्म बैंड को वो खोल भी नहीं पाएगा। फिर वो लोग डैन को जल्दी जाकर अपना पर्सनल काम खत्म करके वापस आने को कहता है। डैन अपने वाइफ को जाकर सब कुछ बताता है, जिससे उसका वाइफ बहुत डर जाती है क्योंकि वो जानती है जंग से लौटना बहुत मुश्किलों भाड़ा काम है। इसके बाद डैन का वाइफ उसे डैन के पापा के पास जाने को कहती है क्योंकि वो ही इस आर्म बैंड को खोल पाएंगे क्योंकि वो ये सब ही कम करते हैं। लेकिन डैन अपने पापा को पसंद नहीं करता था, फिर भी अपने वाइफ के कहने पर वो जाता है। लेकिन वहां जाकर उसके पापा और उसके बीच बहस हो जाता है, जिस कारण वो बिना कुछ करे ही चला आता है और अपने वाइफ से कहता है कि वो अपने आप को बचा लेगा, उसे बस 7 दिन के लिए ही जाना है। इसके बाद वो अपनी बेटी म्यूरी से भी मिलता है। इसके बाद हम डैन को ट्रेनिंग ग्राउंड पर देखते हैं जहां वो मिलता है चार्ली से। उसके टीम में भी चार्ली था, वो दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर वो मिलते हैं दोरियन नाम के एक लड़के से जो पहले भी 3 बार जंग में जाकर वापस आ चुका था। इसके बाद इन लोगों को कहा जाता है कि इन्हें बस 7 दिन के लिए ही जाना होगा और अगर वो लोग सर्वाइव कर पाए तो वो 7 दिन बाद वापस आ जाएंगे। फिर वो सब बात कर ही रहे होते हैं तभी एक अलार्म बजता है और ये लड़ाई का अलार्म था। फिर उन लोगों को जंप लिंक यानी कि पोर्टल के मदद से फ्यूचर में भेजा जाता है। फिर हम उसी सीन को देख पाते हैं जिस सीन से मूवी का शुरुआत हुआ था, लेकिन पोर्टल में कुछ खराबी होने के कारण बहुत सारे लोग आसमान से नीचे गिरकर मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से बच जाते हैं। फिर उनके पास कर्नल का कॉल आता है और वो डैन को एक टीम लीड करने के लिए कहती है और इसके आगे ही एक रिसर्च सेंटर है जिसमें बहुत सारे रिसर्चर फंसे हुए हैं। डैन और उसके टीम को उन्हें ही बचना है। वो लोग वहां जाते हैं, लेकिन वो लोग जाकर देखते हैं कि एलियन ने पहले ही सारे रिसर्चर को मार दिया। वहां एक एलियन का मरा हुआ बॉडी भी होता है, इसलिए डोरियन उससे नाखून काट कर अपने पास रख लेता है। फिर डैन कर्नल को सारा इन्फॉर्मेशन देता है। तभी कर्नल उन लोगों को लैब 2 में जाने को कहते हैं। वहां उसे ब्लू कलर का टेस्ट ट्यूब मिलेगा, उसे लेकर आने को कहते हैं। वो सब उस टेस्ट ट्यूब को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहां एलियन बहुत सारे आ जाते हैं, जिस कारण कर्नल उन लोगों को बताती है कि उस जगह को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके टेस्ट ट्यूब को लेकर बाहर आ जाने को। डैन को सब मिल जाता है और वो बाहर निकल ही रहा था कि वो देखता है एंट्री गेट एलियन से भाड़ा हुआ है, इसीलिए वो लोग गोली चलाकर बचते हुए एग्जिट से बाहर जाते हैं और तभी बॉम्ब गिरता है और वहां रहने वाले सारे एलियन मर जाते हैं। फिर वो लोग चले आते हैं एक सेफ जगह पर जहां डैन कर्नल से मिलता है और तब वो जान पाता है कर्नल और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी म्यूरी है
जो बारी होकर कर्नल बनी है और साथ में रिसर्चर भी। ये सुनकर डैन बहुत खुश हो जाता है और उसे हग करने जाता है, लेकिन म्यूरी उससे कहती है, यहाँ हम काम के लिए ही आए हैं। फिर म्यूरी उसे एलियन के बारे में बताने लगती है। वो कहती है, हम इस समय जिन एलियन को मार रहे हैं वो सब मेल एलियन है, लेकिन फीमेल एलियन मिट्टी के अंदर रहती है और बहुत सारे बच्चों को पैदा करती है, और इन सारे फीमेल को बचाने के लिए मेल एलियन अपना जान भी दे देते हैं। इसलिए वो लोग फैसला लेते हैं कि उन्हें एक फीमेल एलियन को पकड़ना होगा, तभी उसके ऊपर रिसर्च करके वो लोग इन लोगों को मारने का इलाज ढूंढ पाएंगे। फिर वो लोग मिशन में निकलते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल से वो लोग एक फीमेल एलियन को पकड़ लेते हैं और एक सेफ जगह आकर रिसर्च करने लगते हैं। जहां म्यूरी और डैन अकेले होते हैं, तब म्यूरी उसे बताती है कि वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसने फ्यूचर में उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था। और जब म्यूरी 16 साल की थी, तभी डैन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद वो लोग फीमेल एलियन के डीएनए को लेकर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बार बार फेल होता जा रहा था। लेकिन बहुत समय देने के बाद म्यूरी को आखिरकार उन लोगों को करने का सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन तब तक वहां सारे मेल एलियन आ चुके थे फीमेल एलियन को बचाने के लिए। इसलिए जल्दी से म्यूरी अपने पापा को वो सॉल्यूशन देकर पास्ट में जाके ज्यादा से ज्यादा ये बनाने को कहती है, ताकि ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन मेल एलियन आने की वजह से उन लोगों को बहुत परेशानी होती है, वो एलियन सारा कुछ तबाह कर देते हैं और आखिर में इनसे लड़ते लड़ते म्यूरी का मौत जाता है। लेकिन मारने से पहले वो अपने पापा को हग करके जाती है, और डैन का तब 7 दिन पूरा हो चुका था। वो पोर्टल की मदद से पास्ट में चला जाता है और उसे होश आने के बाद वो सॉल्यूशन के बारे में अपने साथियों को बताता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है, अपनी बेटी से मिलता है, क्योंकि उसके बेटी के मौत से वो बहुत दुखी था। उस रात को वो अपने वाइफ को सब कुछ बताता है कि कैसे वो फ्यूचर में गया और वहां जाकर उसके साथ क्या क्या हुआ, और उनके बेटी भी मारी गई। तभी उसकी वाइफ उसे कहती है कि क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं को वो उनके बेटी को बचा पाए। फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए डैन जाता है डोरियन और चार्ली के पास। वहां जाकर डोरियन ने जो नाखून लिया था उसे अच्छे से देखने पर उन लोगों को वहां से कुछ वोल्केनो के राग मिलते हैं, और ये चाइना का है। लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि पहला एलियन रूस में देखा गया था, तो फिर इनके नाखून में चाइना के वोल्केनो का राग कैसे आया। फिर डैन अपने उस स्टूडेंट के पास जाता है जो वोल्केनो के बारे में काफी कुछ जानता था। उसके पास जाकर उन लोगों को पता चलता है ये बर्फ के नीचे है, जहां पर रूस और कोरिया का एक जंग हुआ था। फिर वो लोग गवर्नमेंट से परमिशन मांगते हैं वहां जाने के लिए, लेकिन उन लोगों को परमिशन नहीं मिलता। इसके बाद डैन अपने पापा से हेल्प मांगता है, क्योंकि उसका पापा इलीगली प्लेन का इंतजाम कर सकते थे। फिर वो सब बहुत सारे सॉल्यूशन लेकर वहां पहुंचते हैं। हॉट रूम के बाद उन लोगों को एक एलियन शिप दिखता है जो बर्फ के नीचे पड़ा हुआ था। उन लोग अंदर जाकर देखते हैं कि वहां बहुत सारे एलियन अपने चैम्बर पर सोए हुए हैं। फिर वो लोग उनके ऊपर सॉल्यूशन लगा देते हैं, लेकिन तभी एक फीमेल एलियन वहां से भाग जाती है और कहीं जाकर छुप जाती है। लेकिन बहुत मुश्किलों से डैन, चार्ली और डैन के पापा मिलकर उस खतरनाक फीमेल एलियन को आखिरकार मर देते हैं, और इन एलियन को 2023 साल में ही मार देने कारण फ्यूचर में और कोई जंग नहीं होता। और फिर डैन, उसकी बेटी, वाइफ और डैन का पापा एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यही पर ही खत्म होती है आज का मूवी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर।